प्रथम बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध और हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं उनके सबके लिए साथ साथ नमन करते हुए, और जो यहाँ पर हमारी बहन माताएं और जो हमारे साथी जो बैठे हुए हैं बुजुर्ग, उन्हीं सब में सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा इन बच्चों का देता हूँ, क्योंकि ये हमारी आने वाली जनरेशन है और यही बाबा साहब के इतने फॉलोअर बन जाएंगे कि ये किसी को नहीं मानेंगे देवी देवता, इस प्रकार से बाबा साहब ने नहीं माना। तो देखो, मैं थोड़ा समय का भाव इन्होंने पहले ही बोल दिया है। मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारे भाई नेपाल जी ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था कि हिंदू का, और हमारे भाई जो थे राजेश बोध जी, उन्होंने भी आगे को नहीं बढ़ाया हिंदू शब्द, लेकिन मैं उस पर थोड़ी व्याख्या करूँगा। हिंदू शब्द के बारे में हम लोग बोलते हैं बड़े गर्व से बोलो कि मैं हिंदू हूँ। अगर शूद्र से कहा जाए कि भाई तुम भी भाई हिंदू हो, अभी हमारे साथी जो बोले थे कि हाँ भाई मैं भी भाई हिंदू हूँ, लेकिन आप लोग हिंदू कब तक हो? और केवल वोट डालने के लिए हो? आप लोगों को वहाँ राम का मंदिर बनाया जा रहा है, उसमें धक्का लगेंगे। अगर किसी के अंदर बाबा साहब के अंदर बाबा साहब का जरा भी रत्ती भर भी बाल के बराबर भी गुण है, तो वहाँ पर कारीगर कौन लोग होते हैं? SC ST और OBC और माइनॉरिटी के होते हैं। वहाँ पर पत्थर का या चिनाई का भी काम करने के लिए बिल्कुल इनकार कर दें कि भाई बांध के पंडित और बनिया ही वहाँ का भाई मंदिर का भाई निर्माण कर देगा। देखे बोले भाई कैसे हो जाएगा मंदिर का निर्माण? हो जाएगा क्या माता जी, आप बताएं? नहीं होगा ना, वहाँ पर हमारी तो लोग जाएंगे। नंबर दो, अगर मान लिया कि इनकी व्यवस्था के अनुसार हम हिंदू हैं और ब्राह्मण भी एक हिंदू है, बनिया भी एक हिंदू है, अगर वो एक होटल खोलता है, ब्राह्मण ने एक होटल खोल दिया, ब्राह्मण भोजनालय, चाहे उसके छोटे भाई ने, चाहे वो भी ब्राह्मण ही है, लेकिन उसने खोल दिया चूड़ा चमार भोजनालय, शाम को खाना भैया किसके नाले में जाएगा? भाई हिंदू तू भी है और हिंदू वो भी है, तो भाई ये क्या प्रॉब्लम है? बताइए बहन जी, आप बताइए, बता सकती हैं? खाना तो चूड़े चमार वाला जाएगा ना, नाले में पड़ेगा वे। एक बार ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध जी निकले हुए जा रहे थे, और वहां पर जो वहां का जो शासक था उसने ब्राह्मणों के कहने से हमारे 10-20 आदमी जो थे, नरबलि का पहले प्रकोप था, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि भाई फिर जो पशु बलि हुई नरबलि से, फिर पशु बलि हुई, तो उन्होंने वे बांध रखे थे पेड़ से। तो तथागत गौतम बुद्ध जी निकले हुए जा रहे हैं, तो गुप्तचरों ने जाकर बता दिया मुझे वे गौतम बुद्ध जी जा रहे हैं निकले हुए। तो वे बड़े मान सम्मान करता था जो वहाँ का शासक था, तो उन्होंने कही लाइए साहब, उनको लाओ भाई बुला करके। वहाँ से भी भेज दिए, वहाँ पर भेज दिए, तो उन्हें लाए बुला करके। वे वहाँ बैठे तो राजा ने अपने बराबर में बैठा लिए। वो बैठा करके बोले हाँ जी भाई, ये लोग भाई क्यों बांध रखे हैं? तो वहाँ संडे बैठा रखे थे, हम लोग तो संडे बोलते हैं ब्राह्मणों को, जो चुटिया रखते हैं कर्मकांड जो करते हैं। तो वो बोले जी इनकी बलि चढ़ाई जाएगी, अरे स्वर्ग भेजा जाएगा। भैया स्वर्ग भेजोगे इनको? हाँ। अरे यार ये तो यार बेचारे गरीब आदमी है, इन्हें तो यार नरक में ही जो पड़ा रहने दो, स्वर्ग में तो भाई तुम लोग जाओ। राजा को कह दे भाई, राजा साहब लोग हाँ स्वर्ग में तो भाई इनकी जरूरत है, इन्हें भेजिए। वो बोले, राजा का आदेश हो गया, बोले नहीं जी राजा साहब, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्राह्मण कहने लगे कुछ भी नहीं। वे सारे के सारे तेल जो खोल रहा था कड़ा में उसमें भी डलवा दिए, वे स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग नर्क जो बनाया है, पाप और पुण्य जो बनाया है, ये धर्म जो बनाया है, ये केवल ब्राह्मण ने ही बनाया अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। आपको मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता है। इसी के ऊपर मुझे एक कहावत मुझे याद आ गई, एक हमारे गजिस्ट्रेट कोई ऑफिसर थे, वे रोजाना जाया करते थे मंदिर में अपनी कार से, और वहाँ जब रोजाना जाते जाते जब वे थक जाते रहे तो उनका एक कुत्ता था पालतू छोटा सा, वे बोला आज तू भी आज चल। तो वहाँ जो वे पहुँचा पिंगला, तो पहुँचा तो वहाँ जो उसके स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे और कुत्ते, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उन्होंने चीर फाड़ कर लगे उसके कुत्ते की, क्योंकि भाई वो दूसरा था ना। तो वो बोला भाई भाई जब मैं तेरे से मना कर रहा था कि भाई तू क्यों आया भाई, अब तुझे आराम हो गया ना? बोला साहब मैं तो जानवर हूँ,
आप लोग तो इंसान है, आपको मंदिर में चढ़ने नहीं दिया जाता है, लेकिन आप तो सदियों से आप तो मंदिर का पीछा नहीं छोड़ रहे। तो बोला भाई तेन तो भाई मेरे भाई आंखें खोल दी। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमारी जो महिलाएं बैठी हुई हैं ये क्या कहती हैं, जैसे पूजा पाठ के लिए आज भाई भरत है हमारे, तो भाई बहुत दिन से भाई चलती आ रही है। क्या चलती आ रही है जी? परंपरा चलती आ रही है, परंपरा चलती आ रही है, उसे तो हम पीट रहे हैं। तो एक कहावत याद आ गई, एक कुम्हार ने गधे की पूंछ पकड़ रखी बहुत केड़ी करके, और गधा जो उसमें क्या बजा रहा, लात, खूनम खान हो रहा, बिल्कुल खूनम खान, थूतड़ा उतरा साहब सूझ गया, इतना मोटा हो गया। और भाई बोले, जैसे हमारे भाई हैं राजवीर जी है, बोले अरे भैया इस गधे की पूंछा छोड़ दे, तू देखे खूनम खान हो रहा। बोला भाई अच्छा, तुझे मैं तो खूनम खान तो मैं तुझे दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन तुझे जो मेरी पकड़ नहीं दिखाई दे रही कि मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। तो बेटे आप एजुकेटेड हैं वैसे नहीं है, आपके लिए ये बहुत बड़ा योगदान है कि आप लोग बाबा साहब के बारे में, एक बार ऐसा ही हुआ कि जैसे हमारे यहाँ सीकरी के जो मेले जो होता है ना, उसमें किसी ने मन्नत मांगी, माँ अगर जो मेरा लड़का पैदा हो गया तो मैं तेरे दरबार में लाऊँ, उसे वहाँ लेकर के गई, उसका लड़का पैदा हुआ जी, वहाँ ले जा करके वो जो रख दिया उसके चरणों में, वो थोड़ा फिर जब अगले साल जब वो पावन चल लगा, उसकी यहाँ से पकड़ कर ले, यहाँ कर करके यहाँ कर करके उसका धह कर ले, यहाँ माथा टेकन लगे। बोले क्या उसने उसे मतलब ये कि उसने पैदा किया है। हमारे किसी भाई की नौकरी लगती है आईएएस पीसीएस जो बनता है, वह सबसे पहले कहाँ जाता है, मंदिर में जाता है जी, प्रसाद चढ़ा के आओ जी मंदिर में चलेंगे भाई, ये माता जी की कृपा से हुआ या कृष्ण की कृपा से हुआ। अरे यार ऐसा कैसे हो जाएगा। अभी हमारी बेटी वहाँ से एक गाँव पड़ता है अनूप शहर में, अम्बा से अनूप जिला बुलंदशहर में, वहाँ की आईएएस बनी है, एक विशाखा नाम की है, विशाखा वर्मा, उसने चौथे अटेम्प्ट में उसने आईएएस किया है, महिलाओं में पहले नंबर पर आई। तो ये सब किसकी देन है? आज लोग आप यहाँ जो बैठे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, गाड़ियों में जाते हो, मोटरसाइकिल पे आ रहे हो, कार में जा रहे हो, ये किसकी देन है? मैं खासतौर पर महिलाओं से मतलब पूछता हूँ, ये बाबा साहब ने मतलब कहाँ लिखा है? ये बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार दिए, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ने का तो हमको भी नहीं था अधिकार, लेकिन ये सब बाबा साहब ने दिया। और एक बार ऐसा हुआ, दिल्ली में एक मीटिंग चल रही, तो वहाँ एक महिला थी स्वर्ण जाति की, वे बाबा साहब के बारे में खूब उल्टा सीधा कहने लगी, और वहाँ एक हमारी जैसी ये बेटी जो बैठी है कोई समझदार थी, वे वहाँ गए, हम बोले बेटे हम तो जाएंगे नहीं लेकिन तुम जाओ, कह रही थी वे लड़की, वे वहाँ गई, बहन जी मैं आपको नमन करती हूँ, बाबा साहब के बारे में आपने जो कुछ कहा ना ये बहुत अच्छा बोला है आपने, बहुत अच्छा बोला है, लेकिन आप ये तो बता दो कि आप किसकी बदौलत से आप यहाँ मंच पर जो बोली हो, आपने हिंदू कोड बिल पढ़ा है? जी हाँ, आपको तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन आप यहाँ मतलब पहुंची कैसे? आप जो बाबा साहब के लिए आपने गाली जो दी है, मैं इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन आपको ये भी तो नहीं भूलना चाहिए था कि ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत थी, तो तू मतलब यहाँ मंच पर खड़ी है, तू पढ़ रही है, बोल रही है, लिख रही है, तो ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही तो है। हमारे बाबा साहब ने अपने चार चार बेटे कुर्बान कर दिए, आपने किसी ने सुनी है उनकी कथा बता बाबा साहब की? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वे मरे हुए भी उन्होंने अपना वोटिंग का जो अधिकार, जैसे हम जाते हैं हमारे एक एक कुए में हम उसे बेच देते हैं, लेकिन इसकी कीमत नहीं समझते हम लोग। तो बाबा साहब कई तीन चार बार इंग्लैंड गए, पता नहीं उन्होंने कितनी कितनी मुसीबतें झेली, रमाबाई जी ने कंडे बेच बेच करके, उपले बेच बेच करके बाबा साहब के पढ़ने के लिए पैसे भेजे, कफन भी पैदा नहीं हुआ था उन पर अपने बच्चे के लिए, मतलब कितनी दर्दनाक, जबकि उस समय तो बाबा साहब ने अकेले ने इतनी लड़ाई लड़ी अकेले ने, और आज तो हम करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन फिर भी कोई एक होने के लिए तैयार नहीं है। सबके क्या है, मेरा पेट भरा है, मेरा पेट भर जाओ भाई, सब सब बाहर में जाओ, मेरा पेट भर जाओ। तो आज की स्थिति ये पैदा हो गई है, मेरा सब आप लोगों से जो ये छोटे छोटे हैं बच्चे जनरेशन हैं, बेटे मैं यही कहता हूँ कि आप बाबा साहब के मार्ग पर चलो, बाबा साहब को जानते हैं लेकिन बाबा साहब के मानते नहीं,
हम लोग कहते हैं कि हम बहुत रिश्ते हैं, लेकिन हम घर में जाकर के देखते हैं क्या उनकी घरवाली मांग भी भरती हैं, बिछुए पहनती हैं, सारे काम कर रहे हैं। अरे अरे भैया तुम भैया कैसे भैया बहुत रिश्ते हो भाई, और सीधे लड़ने के लिए हमें है, तुम तो हमें भाई विधवा करने के लिए आ रही है। ये और कहते हैं उल्टे सीधे। लेकिन हर चीज के बेटे मायने हैं। इन्होंने नाक जो छेदी गई है, ये क्यों छेदी गई है? स्त्रियों की। ये अपने साथ नहीं लाए थे, स्त्री नहीं लेकर के आए थे, ऊंट लेकर के आए थे। ऊंट की नाक में नकेल जो पड़ी रहती है ना, ये उसके उदाहरण के लिए, जिधर को खींचोगे उधर को खींचेगा। मंगलसूत्र सोने का होता है, ठीक बेटे? मंगलसूत्र में काला धागा किस लिए बांधा जाता है? काला धागा बांधा जाता है भाई, वे सिर्फ इसीलिए बांधा जाता है कि उस पे भी ये ग्रहण लगा दिया है कि भाई तुम जो हमारी गुलाम हो, जो घोड़े की जो सॉरी वे ऊंट की जो वे होती है ना रस्सी, वो काले रंग की होती है, इसलिए उसका काला धागा बनाया जाता है। पैरों में जो बिछिए जो पहने जाते हैं, वे भी ऊंट के पैरों में आपने देखा होगा, देखा नहीं? वे पीतल के, बहुत से लोहे के हुए बना देते, तो उसका भी ये अर्थ है कि ये किधर को भगे नहीं। बौद्धिस्ट कहना आसान है हम लोगों को, लेकिन निभाना भाई बहुत कठिन। अच्छा जी भाई साहब, मुझे आज्ञा हो चुकी है कि समय आपका समाप्त हो चुका। नहीं बोलने को तो बहुत बहुत जी करता था आपको बताते हुए, मैं तो ये रहता हूँ पड़ोस में, जब जी करे जब बुला लेना, और बिल्कुल फ्री रहता हूँ, तो भाई को पता है। अच्छा जय भीम साहब। जय भीम, जय भीम। मैं आपको एक शब्द नेपाल जी, यहाँ पर सभी जो मौजूद हमारे साथी हैं, सभी को जय भीम नमोदा है। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, ये हमेशा जो है लगातार हफ्ते में महीने में होते रहना चाहिए। इससे एक हमारा जो हम चीज़ जो भूलते जा रहे हैं वो हमारी जागृत होती रहे, इसे को आगे बढ़ाते रहे, ताकि हमारा जो जो वर्तमान है और भविष्य है दोनों याद रहे, ताकि आने वाले समय में जो है जो हमारा जो मिशन है वो मिशन आगे बढ़ता रहे। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही एक दो पॉइंट पे बात करूँगा कि हम सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी लोग हिंदू ही बैठे हैं, मुस्लिम तो नहीं है कोई यहाँ पे, सभी लोग हिंदू ही हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं या नहीं? पक्के हैं? और हिंदू भी पक्के हैं? बाबा साहब को जानते हैं लेकिन बाबा साहब की एक भी बात नहीं मानते हैं। हिंदू हो, बाबा साहब ने तो जो है हिंदू धर्म को लात मार दी थी, आप कैसे बाबा साहब के अनुयायी हो? और आप पूरे जोर शोर से कह रहे हो हिंदू हो। हिंदू धर्म बोले नहीं, बीच में ना बोले। हिंदू धर्म के अनुसार चार वर्ण होते हैं। सबसे जो टॉप पे है वो होता है ब्राह्मण, दूसरे पे होता है क्षत्रिय, तीसरे पे होता है वैश्य, और चौथे पे होता है शूद्र। तो आप हिंदू धर्म के अनुसार कौन से वर्ण में आते हैं? आप आते हो शूद्र में। आप हिंदू हैं तो आप शूद्र हो, यानी शूद्र का मतलब होता है सेवा करने का। जब हम हिंदू बने हुए हैं तो हम शूद्र हैं, शूद्र का काम सेवा करने का, आप शासक हो ही नहीं सकते। आप जब इस हिंदू धर्म से निकल जाओगे तब आप शासक बनोगे, इससे पहले आपका शासक बनने का सिस्टम है ही नहीं। जिसको आप जो है अपना आका परमा वो मानते हैं, जिनको जो है सर पर ठाए घूमते हैं, उस आदमी ने, ऐसे महापुरुष ने जो है ऐसे धर्म को, हिंदू धर्म को लात मार करके दूर हो गए थे। यदि हिंदू धर्म में इतनी ताकत होती तो वो जो है इतने पढ़े लिखे ना होते, समय डाउन चले जाते। सारे हिंदू धर्म में जो है 35 करोड़ देवता भी हैं, उनको भी मानते हैं, वो देवताओं को भी लात मार देते हैं बाबा साहब, लेकिन हम लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी यही हमारा जो है पीछे जाने का कारण है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो।
तो हमारे जो और वक्ता हैं वो आगे बोलेंगे, क्योंकि हमारे लंबा हो जाएगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।